बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक है ज़मायर मुज़मरात में से ज़मीर। ज़मीर मंसूब मुनफसिल, ज़मीर मरफू मुनफसिल। और ये ज़मीर मंसूब है लेकिन मुनफसिल होता है, मसलन इयाका इयाका लफ्ज़ जो है सबके साथ लग जाता है। इयाका इया के इया के और इया कुमा ये कुमा ये कुम और ये कुन्ना। तो ये है मुखातब के लिए, मतलब को हाजिर भी कहते हैं। और ये है मुज़क्कर के लिए और ये है मुअन्नस के लिए। ये है वाहिद के लिए, ये तस्निया के लिए और ये जमा के लिए। वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, जमा मुज़क्कर हाजिर, जमा मुज़क्कर तस्निया। जिस तरह आप पढ़ सकते हैं पढ़ लिया। फिर है इया ओ इया हा इया होमा इया होम इया होमा इयाहुम और इयाहुन्ना। फ़र्क किसका है? नून का और मीम का। नून मुशद्दद और मीम का, उधर भी मंसूब में हम पढ़ चुके थे और यहाँ पर भी। और एक है इया या इया या और इया न। ये तो सुरफ़ात में भी मुस्तमल है कि इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन, इयाका नअबुदु। और वो है मरफू, ये मनसूब है किस वजह से कि मफूल भी वाक़ हो रहा है। और यहाँ पर इया फत्तकून, इया फरहबून, ये भी मुस्तमल है इयाना। तो ये सारे अल्फाज जो है ये जो आपको नज़र आ रहे हैं कि एक दो तीन चार और पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह है, चौदह, इसलिए कि ये दो जगह हैं ये। लेकिन अगर इनको मुश्तरक मानकर तो इसके कितने बनते हैं? चौदह बनते हैं, बारह चौदह बनते हैं। और अगर इसको निकाल दें तो बारह बनते हैं। सिर्फ यही जहाँ पर आप ये नज़र आए आपको कहीं पर भी इन चौदह में से कोई, चौदह में से कोई भी आपको नज़र आए तो ये होगा ज़मीर मंसूब मुनफसिल। क्या होगा? ज़मीर मंसूब मुनफसिल। इयाका वल असद, इयाका। तो यहाँ पर इयाका जो है वो अलग माने के लिए इस्तेमाल है, लेकिन ज़मीर मरफू मुनफसिल, ज़मीर मंसूब मुनफसिल के यही ज़मायर है, ये इस्तेमाल होते हैं। तो इसके अलावा इसमें कोई और ज़मायर नहीं है। तो ये है आज का हमारा सबक ज़मीर मंसूब मुत्तसिल का, मुनफसिल का, कि ये अलग है, फ़ैल के साथ मुत्तसिल नहीं है या किसी और के साथ मुत्तसिल नहीं है। तो ये है आज का हमारा सबक। अगले सबक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।